और कार्तिक भाई क्या हाल है? में आपका स्वागत है। कैसे लग रहा है नाम किला पास में पहुंच गए? तो डे थ्री की शुरुआत हमारी हो चुकी है। हम कारगिल से निकल चुके हुए हैं। कारगिल से लेह तक का सफ़र रहेगा आज हमारा, जो कि तकरीबन 220 किलोमीटर है। यहाँ से 5 घंटे लगते हैं कारगिल से लेह पहुँचने में। तो आज के रास्ते में हमारे सबसे पहले तो दो मेजर पास आएंगे, फोटूला टॉप, नाम किला टॉप। उसके बाद लामा यूरू मोनेस्ट्री आएगी, पत्थर साहिब गुरुद्वारा आएगा, श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब आएगा, मैग्नेटिक हिल आएगी। मैग्नेटिक हिल के बाद सीधा हम लेह पहुँचेंगे। तो ले पहुंच के रात तक मतलब पहुंचेंगे तो ले मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। तो अब सीधा हम निकलते हैं यहाँ कारगिल से और आपको आगे मिलते हैं पास पे। कैसे लग रहा है नाम किला पास पे पहुंच के? कार्तिक भाई और मेरी अभी अभी जस्ट बहस हुई है, ये रोक नहीं रहा था साला गाड़ी फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो भाई किसी चीज के लिए खिंचाने के लिए नहीं रोक रहा था भाई साहब, को चलाने में इतना मजा आ रहा, किसी और को चलाने में नहीं दे रहा गाड़ी। रमन त्यागी को देखो भाई, फुल चाबी लेके बैठ गए हैं। भाई चलाएंगे अब भाई रास्ते। अरे रुक जाओ, कितनी देर में कर रहे हैं? आपके पास में आपका स्वागत है। 12,000 भाई वो उस पे है GoPro छत पे। आप चलाओगे? अब तो हमेशा मतलब मौत से रूबरू करेंगे सबको। तो नाम किला पास पे हम सब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम दूसरे पास की तरफ शुरू करेंगे अपनी जर्नी, जो कि है फोटूला टॉप, जो कि श्रीनगर लेह का सबसे हाईएस्ट पास है। श्रीनगर लेह के हाईएस्ट पास पे पहुंच चुके हैं, 13,480 फीट पे फोटूला टॉप। तो प्रणेगा भाजी कैसा लग रहा है आपको? जन्नत है, जन्नत। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है? ना मेरे को तो नहीं हो रही है, हमारे साथ ऑक्सीजन पी रहा था अभी सिलेंडर से। रोड के बारे में बताएं, रोड की कंडीशन कैसी है? बहुत सारी रोड है, ऐसी अच्छी रोड तुम्हारे शहरों में भी नहीं होती, अच्छी रोड यहाँ पे है। शहरों में क्यों ही होगी। और ये फोटूला टॉप से व्यू आप देख सकते हैं, जन्नत है भाई यार, जन्नत है। कुछ नहीं रखा भाई, कनाडा कनाडा पेरिस पुरिस इंडिया आओ ले लो था घूमो। त्यागी जी पोज जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, फोटो भी खींच रहा हूँ। भाई कैसा लग रहा है पहाड़ों में गाड़ी चला के ले की सड़कों पे? ठीक है, इजी है गाड़ी। इजी है? रास्ता कैसा है? रास्ता क्या कहते हैं, उधमपुर तक तो बहुत अच्छा है, उसके बाद बनिहाल का थोड़ा वो चलता है, खराब हो जाता है। उसके बाद जब हम श्रीनगर से आगे निकलते हैं तो जिला पास पे सड़क बहुत गंदी है, 30 किलोमीटर का बहुत गंदा पैच मिलेगा। उसके बाद हम कारगिल से जब कारगिल पहुँचते हैं, कारगिल से जब निकलते हैं ले के लिए, तो भाई साहब जिम्मेदार, आप देख सकते हैं नज़ारा सामने। और त्यागी जी आपको कैसा लग रहा है पीछे बैठे बैठे? भाई दिमाग खराब हो गया, गाड़ी दे नहीं रही चलाने, पीछे बिठा रखा 2 दिन हो गए, इससे अच्छा तो मैं बस में आया। इतना अरे तो इतनी कंफर्टेबल सीट में जा रहे तू, थार पीछे मजा रहा है i20 में? नहीं कंफर्टेबल तो भाई i20 ही है, थार पीछे से कंफर्टेबल नहीं लगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पर खुली तो थार है पीछे ज्यादा। हां खुली थार है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है।
सामान रखने के लिए तो कैरियर का बहुत फायदा हुआ है करना। पैसे भी उतने लगे ना, बहुत फायदे वाले। चीज तो बढ़िया लगी। चीज का क्या है, ये पता नहीं अब दोबारा कब आऊंगा ले। स्पीति चलेंगे क्या बात है? अरे रूबी कौन ने चलेंगे सर, चलने वाले तो बनो। चलना ही नहीं है भाई, मौत वो तो दिखती है आंखों के अंदर। यार इधर जो तुमने जो जिला पास का रास्ता चलाया था वो मौत नहीं था, वो 30 किलोमीटर था, स्पीति का पूरा किलोमीटर ही वो है। पर अलग ही मजा है ना। चलो व्यू देख लेते हैं यार, मस्त व्यू आ गया। भाई आगे बादल ही बात है यार, मजा आ गया भाई। रुक जा धीरे, इसको इनोवा को निकाल दे किसी तरह, इसे खा रहा है। यार फिर 1200 रुपए खर्चे हैं, क्या हो गया? पैसे तो आने जाने चीज है, फिर आ जाएंगे। अरे सच्ची बोल रहा है भाई, देख आवाज क्या बोल रहा है, पहली बार ही बोल रहा है। अबे पैसे तो आने जाने की चीज है, वापस आ जाएंगे। कंजूस ब्रो, कंजूस वो है ही कंजूस। अभी देख लेना था 500 के लिए कैसे लड़ रहा था भाई। गरीब बंदा भाई, गरीब बंदा प्रिटी, और वो भी ले लेता गाया गरीब बंदा। चल साले ये है इसकी रेस, ये देखो ये आएंगे भाई। बाइक मेरे को तो बाइक इस बंदे ने भाई, दूर हो जाओ तुम, दूर हो जाओ इससे भैया। टिकट कैंसिल करनी है हमें भाई, मैं थार में ऑफरोडिंग कर रहा भाई, यहां पे थार में ऑफरोडिंग करने मजा आएगा। कितना रेस ही है भाई, यहां पे थार लाओ किसी तरह, थोड़ा पैसा लगा थार यार, मजा नहीं बनी इसलिए। वो भाई बहुत ठंड बहुत ज्यादा हो गई है भाई, जो भी आ रहा है कपड़े पेटी पैक करके लेके आए। चलो पैसे वसूल हो जाएंगे जो नए कपड़े खरीदे सर्दियों के। हां तो टैरी जैकेट लाया है। अरे बहुत पैसे की जैकेट लाया है, 15,000 लगा दिए भाई, ऐसे थोड़ी मजाक है। मैं तो बुनाने किसी भी ले आया भाई, कपड़ों में भाई अच्छा। चल टेडी जैकेट पहन जाएगी, मजा आ जाएगा कल। सारे तेरे को नहीं दे रहा मैं, दूर जा। Come on boys, let's go!
बना दे। भाई देखो मैंने तो 1200 अपने पूरे बस ये मेरी भी बाइक बंद हुई थी बस वीडियो बनाने के चक्कर में। तुम्हें बाइक भी नहीं चलानी आती दिख गया आज? मेरा तो भाई सब चलता रहता। कुछ नहीं चला मैं तो कह रहा था ड्रिफ्ट मार ड्रिफ्ट नहीं बजी देर से। अरे हमारी ब्रेक खत्म की मारने वाले की हमारे वाले की ब्रेक खत्म। ब्रेक से ड्रिफ्ट नहीं मारनी थी स्टीयरिंग घुमा के रखना था पूरा। ब्रेक तो मेरी भी नहीं थी। मैग्नेटिक हिल से अब निकलने लगे हैं। हमारा अगला स्टॉप है श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो ले के आउटर पे पड़ता है ऑलमोस्ट। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब की हिस्ट्री कुछ इस तरह की थी कि 1517 में जब गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा पे आए थे तो उन्होंने लेह लद्दाख में 2 से 2.5 महीने का हॉल्ट किया था और यहाँ के लोकल्स ने उन्हें बताया था कि एक यहाँ पर राक्षस रहता है जो बंदों को मार के खा जाता है। तो लोकल्स ने हेल्प मांगी थी गुरु नानक देव जी से। तो गुरु नानक देव जी जब वर्शिप कर रहे थे तो राक्षस ने एक ऊपर से बहुत ऊपर से मतलब एक पत्थर फेंका था, बहुत ही बड़ा पत्थर था जो आपको वीडियो में सामने दिख रहा होगा। तो वो जब पत्थर फेंका और जब वो गुरु नानक देव जी की तरफ आ रहा था तो जैसे ही गुरु नानक देव जी के टच हुआ वो, तो वो एक सॉफ्ट वैक्स में बदल गया, सॉफ्ट वैक्स बदल गया और वो भी उनकी गुरु नानक देव जी की बैक की शेप में बदला था। तो इसको देख के राक्षस इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो कि उसने सोचा कि अब मैं नीचे जाके लात मारूंगा इन्हें। तो जैसे ही राक्षस नीचे आया और उसने लात मारने का ट्राई किया उस पत्थर को जो गुरु नानक देव जी के जो पीठ पे लग के सॉफ्ट वैक्स में बदल गया था, तो जैसे ही उसने पत्थर को मारा तो उसकी बॉडी भी मतलब पत्थर में ही मतलब वो हो गई, क्या कहते हैं, जैसे ही उसने पत्थर को टच किया तो उसकी बॉडी भी वो स्टैचू में ही कन्वर्ट हो गई। तो जिसे देख उसे राक्षस को रियलाइज़ हुआ कि ये मतलब गुरु नानक देव जी एक सच्ची में स्पिरिचुअल पावर है कोई। तो उसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी से मतलब अपोलॉजी करी और फिर उनका गुलाम बन के रहे थे। उस जगह से राक्षस ने पत्थर फेंका था। हमेशा चढ़ती कला से रहो। ले मार्केट पर लग तो क्यूट रहा है। तू ले किसके लिए रहा है ये तो बता पहले उस साल से। तो गाबा तो हमारे साथ ही है, गाबे के लिए क्यों लेना है। प्रणय भाई आप क्या देख रहे हो ये बताओ क्या चीज है? इत्र। कौन सा इत्र है, क्या प्राइस है इसका? 250। 250। स्मेल सुनाइए। सामान तो अच्छा अच्छा हो गया यार, खुशबू तो स्ट्रॉन्ग है और ठीक भी लग रही है यार। वो मोनेस्ट्री में से ना। कार्तिक भाई क्या हाल है? आप तो पहले ही ले आ चुके हो तो बताओ ले में एक दिन रहने का फायदा है? कल सोच रहे हैं स्कूटर या बाइक्स ले लें। ये वाला देखना भाई कैसा शांति स्तूपा वो रास्ते में नहीं पड़ेगा। आन लेके आन लेक सॉरी खारदुंगला के रास्ते में नहीं पड़ेगा। ये वाला सो तो भाई फिर कल रुकेंगे। कौन सा चलेगा? कल ले रुकेंगे। हाँ तो कल फिर ऐसा करते हैं कि बाइक सर वो ले लेंगे, स्कूटी ले लेंगे, बाइक स्कूटी पूरे एक्सप्लोर करते हैं। ले बाइक लेंगे स्कूटी। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपना। जो हमारी अगली वीडियो होएगी अब ले के अंदर हम एक दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।